यूपी के बदायूं में विधानसभा चुनाव दिलचस्प रहा। जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा व 3 पर भाजपा का कब्जा रहा। सदर सीट पर सपा प्रत्याशी हाजी रईस अहमद ने हारने के बाद जनता का अभिवादन किया। बदायूं जिले की सदर सीट पर पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा प्रत्याशी महेश चंद्र गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के हाजी रईस अहमद को लगभग 12,000 मतों से हराकर जीत दर्ज की। शेखुपार विधानसभा सीट से सपा के हिमांशु यादव ने भाजपा के धर्मेंद्र साक्य को 5,800 मतों से हराकर जीत दर्ज कराई। सासवान सीट भी सपा के खाते में गई। बिलसी सीट पर कमल खिला। बिलसी विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी हरीश साक्य ने अपनी जीत दर्ज कराई। सासवान से सपा के ब्रजेश यादव ने भाजपा प्रत्याशी डीके भारद्वाज व बसपा के हाजी बिट्टन को शिकस्त देते हुए 13,000 मतों से जीत दर्ज कराई। बिसौली सीट पर भी सपा का परचम लहराया। बिसौली विधानसभा सीट पर सपा के आशुतोष मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी कुशाग्र सागर को 1244 मतों से हराकर सपा का परचम लहराया। आपको बता दें कि परिणाम घोषित होते ही भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है और जिले भर में मिष्ठान वितरण की खबर है। इंडिया पावर न्यूज के लिए एम आरिफ खान की खास रिपोर्ट।